और दो स्कूल चलाता हूँ जिसका मैं डायरेक्टर हूँ और आश्रम को पूरे मनोरथ मन मन समर्पण से सीख रहा हूँ और जिन गुरुओं के माध्यम से मेरे जिंदगी में आया, मेरे भाग्य में आया, वो नन अदर देन परम आदरणीय व्यासर के सम्मान में जोरदार व्यक्ति होनी चाहिए। आज जो भी लोग परम आदरणीय व्यासर की वजह से हूँ, उनके सिखाए हुए रास्तों को चलता हूँ, उनके बताए हुए तरीकों को सीखता हूँ, इसलिए आगे हूँ। और परम आदरणीय एसपी शर्मा सर जो विक्षण गुरु कहे जाते हैं, उनका हर कदम कदम पर आशीर्वाद आता है, पूरे टीम को साथ लेकर चलते हैं, उनके लिए जोरदार खतरनाक कार्य होनी चाहिए। मैं दो लाइन से अपनी बातों को शुरू करूंगा कि अभी तो यह चिंगारी, अभी तो यह चिंगारी है, आग लगाना बाकी है, जो लोग रोके मेरा रास्ता जीत का टमाटर ही काफी। थैंक यू, थैंक यू। और थोड़ा सा ये देखना है कि आप में से जितने हमारे लीडर्स आए हैं लोकल, यहाँ वाराणसी कितने हैं और हैंड रेज करेंगे, क्या बात, इनके लिए सम्मान में दो बार बैठक होनी चाहिए। बहुत काफी संख्या में जो 50 किलोमीटर के अंदर से आए हैं वो ये हैंडल करेंगे, मुझे काफी संख्या है जो 20 किलोमीटर से आए, वो सब शानदार खतरनाक कार्य होनी चाहिए। जो हमारे लीडर्स 50 किलोमीटर से ऊपर 100 किलोमीटर तक दूरी से आए हैं या उससे भी दूरी से हैंडल करेंगे, क्या बात है, देखिए 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर आगे से आए हैं, एक साथ और आशी का सम्मान कर रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच में मैं अपनी एक बातों को रखूंगा कि आश्रम हमारी जिंदगी में कैसे प्रभावित किया, और जब मेरी जिंदगी में आश्रम आया तो शुरुआत में तो बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन जब गुरुओं के द्वारा सीखते हुए आगे बढ़ते गए तो हमें लगा था कि यह आश्रम एक जीवन जीने की कला है, एक व्यवसाय के साथ जीवन जीने की कला है। और कहा गया कि मानव जन्म मिलना भाग्य की बात है, आश्रम मिलना सौभाग्य की बात है, लेकिन आश्रम को समझ में आ जाना ये परम सौभाग्य की बात है। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर लाइफ में देखेंगे कि हमारे बीच टीचिंग प्रोफेशन से, शैक्षणिक प्रोफेशन से कितने जुड़े हुए मैट्रेस करेंगे, टीचिंग प्रोफेशन से, शिक्षक शिक्षण कार्य से एक जानदार प्लेटफॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि तो शिक्षक जो है वही समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, कम से कम ज्योतिर्मय में। और हमारे बीच स्टूडेंट कितने हैं जो शिक्षार्थी, क्या होते हैं स्टूडेंट भी जो भारत के भविष्य की माता है, उनके शानदार प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हमारे बीच डॉक्टर कितने हैं जो डॉक्टर प्रोफेसर से, क्या बात है, डॉक्टर भी काफी संख्या में जो है, छोड़कर काफी होनी चाहिए।